कमन सु चैनल सब्सक्राइब करना कि ना करो, मैं चैनल सब्सक्राइब करियो मत करियो ना करो बिल्कुल भी, लेकिन ये वीडियो शेयर कर दियो। अगर तुमने वीडियो शेयर ना करी तुम सब बुझ दिलो, तेरे अंदर दिल है ही ना है, बिना दिल का आदमी हो तुम। अगर ये वीडियो पूरी देख लीजियो, अगर तेरा समझ में आए तो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? तो आराम से चैन की नींद सो जाओ बिस्तर में अपना में, ठीक है भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी भाई ठीक ठाक आप सब? भाई तुम नू बताओ, ऐसे इंसाफ मिलोगे जैसे आप इंसाफ मांग रहे हो आसिफ भाई को? अगर अब भी तुम इंसाफ ना मांग पाओ ना, फिर काहे पे इंसाफ मांगोगे तुम? ऐसे इंसाफ ना मिल से जैसा आप मांगना चाह रहे हो, कि आपने नज़म भर दी कि आसिफ भाई को इंसाफ दो, आपने मेवाती गाना गा दिया कि भाई आसिफ को इंसाफ दो, अपने इंस्टाग्राम कहा तन में सू लुट गोवा को लाली सबरी के से वाहे आवे, अरे हिंदुस्तान की यू कैसी सरकार, सोच के दिल मो घबरावे। इंस्टाग्राम ट्विटर पर और अपने स्टोरी पर आसिफ भाई के फोटो लगा दिए कि आसिफ को इंसाफ दो, ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर भाई आप आसिफ को इंसाफ चाह रहे हो तो हूं जार पहुंचो इंसाफ मांगने को। अगर हूं ना जा सको ना, जितने भी तुम यूट्यूब चैनल चला रहा हो ना, मेवाती वाला हो, मेवाती गान के यूट्यूब चैनल चला रहा, तब मेवाती गाना भर भर के नहीं, इतनी बेहरमती कर रहा हो आसिफ भाई की है। अगर तुम इतना ही शायर हो ना, इतना ही बड़ा यूट्यूबर हो, यूट्यूब चला रहा हो, तो आसिफ भाई को वीडियो अपलोड करो लाइव आके, नहीं ठीक है? लाइव आके शिकल दिखा के नहीं, या शिकल मत दुबकाओ। अगर तुम इंसाफ मांग रहा हो, शिकल दुबका के दुनिया इंसाफ मांग लिए जिस तब मांग रहा हो, ठीक है? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पानी बाकी है और आसिफ को इंसाफ चाह रहा हो कि आसिफ को इंसाफ मिला आसिफ भाई को, तो लाइव वीडियो आओ, ठीक है? लाइव वीडियो डालो बना के अपने शिकल दिखा के, नहीं कि हमें आसिफ भाई को इंसाफ चाहिए। और हमें, मुझे तो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी हरियाणा सरकार पे कि आसिफ भाई को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाएगी, और पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि आसिफ भाई को जो है इंसाफ जल्द ही मिलने वाला है, ठीक है? आसिफ भाई को इंसाफ मिलेगा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आसिफ भाई को सबसे पहले तो आके अल्लाह मगफिरत करे, और अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे बेचारे को, ठीक है? और उसके बाद में उसके घर वालों को सब्र जमील दे, अल्लाह उनको बेहतर बदला दे। अगर भाई तुम चाह रहा हो कि आसिफ भाई को इंसाफ मिले, कि हमने मेवाती गानों गा दियो कि भाई आसिफ भाई को इंसाफ दियो, हमने नज़म गा दी कि आसिफ भाई को इंसाफ दियो, तो यार कम से कम तहारा कितना सब्सक्राइबर हुआ पड़ा। अगर तुम लाइव वीडियो बना के डालो और आसिफ भाई को इंसाफ मांगो, कि आसिफ भाई को इंसाफ ना मिलेगा, या तो हूं जाओ, हूं जा के आसिफ भाई को इंसाफ मिल जाएगा, ठीक है? अगर तुम इतनी ताकत ना है, हूं ना जा सको, तो लाइव वीडियो बना के नहीं अपनी सरकार तक पहुंचाओ कि मेवात के अंदर कितना गम है। बस स्टोरी लगा दिया आपने, इंसाफ दो भाई आसिफ भाई को, इंसाफ मिल जाएगा स्टोरी इंसु, स्टोरी तैयारी ने सरकार देख रही है, तेरा मेवाती गाने ने सरकार सुन रही है, आपकी नजमन ने सरकार सुन रही है, कोई ना सुन रहा इनने, इन्हें वही सुना जिन्हें आपको चैनल सब्सक्राइब कर रखो, ठीक है? और कोई ना सुन रहा इनने, तो मेरी आप सब अनुसू जितना भी यूट्यूबर हाँ और जितना मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो सब खड़े हो जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है? मर्डर मर्डर ही रहेगा। हम हिंदू को भी इंसाफ मांग रहा है, कोई सा धर्म को हो, हम इंसान सब बराबर हैं। अरे मिलके रहवंगा हम हिंदू मुसलमानी, हमने तो दिया खोयू सपना, अरे मारा जा रहा ना जाइज मुसलमान, तीसरे दिन हुई ऐसी घटना, हमारा जा रहा ना जाइज मुसलमान, तीसरे दिन हुई ऐसी घटना। इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। अब से पहले भी एक हादसा हुआ था हमारी बहन के साथ नूह के अंदर, उसको भी हमने इंसाफ मांगा था, तो आज हम आसिफ के लिए भी इंसाफ मांगते हैं। अगर आज आप इंसाफ ना मांगोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दरिंदों की खुराक बन जाए, आए दिन फिर ऐसा ही होता रहे, ये दरिंदों की खुराक बन जाएगी। तो मुझे पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि वो आसिफ भाई को इंसाफ दिलाएंगे, हमारी सरकार आसिफ भाई को इंसाफ दिलाएगी, और उनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे और बेहतर बदला दे। तो जो भाई मेरी वीडियो देख रहा है, खासकर जो शायर हाँ, चाहे वो नज़म गाता हूँ चाहे वो मेवाती गाना गाता हूँ, और जितने भी यूट्यूब चैनल चलाने वाला है, ये वीडियो देख रहा हूँ तुम,
अगर तुम यकीनन तुम्हारे दिल के अंदर दर्द है आसिफ भाई को, तो इंसाफ मांगो, वीडियो बना के लाइव आ जाओ, लाइव इंसाफ मांगो, ताकि सरकार पता चले मेवात के अंदर कितना दर्द है आसिफ भाई को। अगर आज तुम इंसाफ ना मांगो, कल को हमारे साथ होगी, फिर हमारे सामने कौन खड़ा जाएगा? हमारे साथ को कोई ना खड़ा होगा, अकेले रह जाना। तो मेरी हरियाणा सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद है, यही मेरी उन सब से गुजारिश है कि आसिफ भाई को और उनके घर वालों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और अल्लाह उनको बेहतर बदला दे। कोई रंजिश नहीं, बस सफ़र कर रहा था बेचारा, दवा के लिए जा रहा था और आसिफ भाई के साथ ये काम कर दिया। तो सबसे ज़्यादा यह बात पर अमल कौन करेगा? जितना भी यूट्यूब चैनल आया था, मैं वीडियो देख रहा हूँ, खास कर तमन को ये वीडियो बनाई मैंने, नज़म गाना से इंसाफ ना मिल रो, इंसाफ मिलेगा लाइव वीडियो डालना सो, हूँ पहुँचना सो, ठीक है। आसिफ भाई को इंसाफ मांगना है तो अपना चैनल पे वीडियो अपलोड करो, अपनी शिकल दिखाओ, ताकि पता चले कौन कौन दिल से इंसाफ मांग रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सबने मेरी वीडियो देखी होगी। अगर आप भी इंसाफ चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि आसिफ भाई को हमें भी इंसाफ चाहिए, ठीक है। आप सब सुनो, दुआ की दरख्वास्त है, चैनल सब्सक्राइब करना कि ना कि उसे वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करो मत करो, ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।